एक रात मैं सो रहा था तो मुझे चक्कर आ गया, और जब मुझे चक्कर आया तो उसी से मैंने कहा, अपने दोस्त को फोन लगाया, मैंने कहा यार पादरी को चक्कर आ गया। कह रहा चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर से पूछा, कह रहा जी आप डिप्रेशन में लगते हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तेरा भला जा। कह रहा आप टेंशन में रहते हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नहीं, ये बात तो तेरी सच है कि मैं टेंशन में प्रभु के लोगों के लिए दुआएं करता हूँ, लेकिन मैंने कहा संडे जब आप हंसते हैं हमारे डिप्रेशन भाग जाते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप कितनी भी टेंशन में हो, लेकिन एक बात याद रखना, कह रहा इस चर्च में सबसे ज़्यादा हीलिंग इसलिए होती है क्योंकि लोग अपने अंदर उस स्पिरिट को महसूस करते हैं जो आपको आनंद देती है। वो स्पिरिट आपके अंदर आनंद देने वाली है। कल मैं अपनी बेटी अलीशा को सिखा रहा था, कह रही थी पापा इसने मुझे मारा। कह रही एकता ने मारा। मैं उसको सिखा रहा था, मैंने कहा बेटे तू उसके सामने ऐसे हंसा कर। कह रहे हा हा हा। कह रही तो उसने मुझे मारा, आप कह रहे हंसो। मैंने कहा हंस इसके सामने, बोल हा हा हा। कहती हा हा हा। तीन बार उसने किया और फिर वो हंसने लगी। कह रही डैडी ये अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि आज आप किसी भी टेंशन में हो, कोई बात आपके दिमाग पे बैठ रही है, बहुत सारे कह रहे कि डॉक्टर बताते हैं, कह रहे बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर जब ट्रांसफ़र होती हैं, जब आप निराश होते हैं, जब आप टेंशन में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये भविष्यवाणी, यहाँ बोल, पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा, पवित्र आत्मा ने बोला कि मैं इस वर्ष के अंदर जितने यहाँ पर खड़े हैं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगला महीना आपका सेलिब्रेशन का महीना होगा। Yes. अब आपको सेलिब्रेशन करना है या नहीं करना है? कुछ लोग सेलिब्रेशन कैसे मनाते हैं, बताओ मुंडे का ब्याह हो चल लड़िया ला दे, सारे बोला हालेलुया। और आप मेरे घर के बाहर चले जाओ, कई बार हफ्ते में 8 दिन 7 दिन या 6 दिन 5 दिन एक लड़ी जलती रहती है ग्रिल पर, और मैं उसको बाहर जाता हूँ घूमने के लिए तो उसको जलवाता हूँ। मैंने कहा जला इसको। वो सोचते हैं पता नहीं क्यों जलवा रहा है पादरी, उनको नहीं पता कि मैं सेलिब्रेशन मन कर रहा हूँ, सेलिब्रेशन। सारे बोला हालेलुया। सेलिब्रेट के दिन आ रहे हैं आपके लिए। आपको सेलिब्रेशन जब तक नहीं करोगे, जब तक अपनी आत्मा में नहीं ग्रहण करोगे, आपका घर में कोई अच्छा दिन जब तक नहीं आएगा, जब तक आप उस स्पिरिट को महसूस नहीं करोगे। बाइबल बोलती है कि आत्मा के 9 प्रकार के फल में से एक फल है, एक स्पिरिट ऐसी है जो आनंद का फल है। जब तक आपके अंदर इंजॉय नहीं आएगा आपकी आत्मा में, तब तक स्वर्गदूत आपको देने के लिए कुछ नहीं आएंगे। एक बात याद रखना, स्वर्गदूत स्वर्ग के अंदर जब आप मांगते हैं तो उसी समय स्वर्ग के अंदर बहुत सारे लोगों को पैकिंग पे लगा देता है परमेश्वर। चल पैकिंग करो। करे क्या करे, इसने घर मांगा है पैक करो, इसने झोटा मांगा है पैक करो, इसने गांव मांगी है, पशु मांगे हैं, दूध डेयरी फार्म मांगा है पैक करो। पैकिंग चल रही होती है, स्वर्गदूत वहां पर पैकिंग कर रहे होते हैं पन्नी में। करे इसने लोन मांगा है पास हो जाए, इसने प्रोजेक्ट मांगा है, वहां पन्नी हो रही होती है। लेकिन उसके बाद एंजल पूछते हैं परमेश्वर ये घर किसके घर पे पहुंचाना है, ये एड्रेस क्या है। परमेश्वर कहता है ये तो मुझे भी मालूम नहीं है। बोलो हालेलुया। बोल सकता है ऐसे परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर ने उस एंजल को जानबूझकर नहीं बताया कि मेरे पास वो एड्रेस नहीं है। कह रहा वो एड्रेस, कह रहा जिसके अंदर आनंद देखोगे, जिसके अंदर फेथ देखोगे, जिसके अंदर विश्वास देखोगे, जिसका फेथ आज बाहर आएगा, जिसके हाथ आज हिलते हुए नजर आएंगे, जिसका मुंह आज खुलते हुए नजर आएगा, जिसके 32 दांत बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, जिसकी छलांग सबसे ऊंची होगी आज, करके एड्रेस आपके घर आएगा। करके सारे तालियां बजाओ लंबी पा, करके सारे तालियां बजाओ लंबी पा, करके तू ताने तू मचाई मचाई मचाई, तू ताने तू मचाई, तू ताने तू मचाई, तू ताने तू मचाई, उठ जाना है उठ जाना है, सुना सरी दी दोले गाने ने उठ जाना है, उठ जाना है उठ जाना है, ये सुना सरी दी दोले गाने ने उठ जाना है, कबला के कलाम दे, कबला के कलाम, अरे अब
कबरां दे बाहर उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, सच में जो नाच रहे थे उनके घर स्वर्गदूत दूतों को एड्रेस मिल गया है। आमीन। आपको समझ में आया मेरी बात? बाइबल में लिखा मांगोगे दिया जाएगा, इसलिए परमेश्वर एक बंदे के लिए भी पैकिंग नहीं कराता, लाखों लोगों के लिए पैकिंग हो रही है। जितने आज संडे चर्च में आकर मांग रहे हैं उन सब के लिए पैकिंग हो रही है, लेकिन ये उसकी मर्जी है कि वो कॉरियर किसी के घर आए कि ना आए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कॉरियर हेलो अंकल बर्गर लेकर आना और कॉरियर वाला बर्गर लेकर आया, आप घर पर नहीं मिले तो बर्गर वापस चला जाएगा। अगर आप सही रास्ते पर आए हैं, जितने संडे चर्च में आए हैं आप सही रास्ते पर खड़े हैं, यहां से एक कॉरियर आपके घर आएगा यीशु मसीह के नाम में। एक एड्रेस करें कि एक पार्सल आपके घर आने वाला है, पोस्टमैन उसमें कुछ लेकर आने वाला है। इसलिए मैंने ये प्रेयर रिक्वेस्ट लिखवाई आज कि बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट अभी स्वर्ग में जाएंगी। आमीन। क्योंकि बाइबल बोलती है जब तक याजक दुआ न करे, शमूएल प्रॉफेट शाऊल के लिए वेदी पर जाता था और उसके लिए दुआ करता और तब उसकी प्रजा को आशीष मिलती थी। आप समझ रहे हैं? लेकिन एक वेदी आज आपने अपने मन में तैयार करनी है। जब से यीशु मसीह आया तो वो वेदी लोगों के मन में तैयार हो गई है, आपके घर में, आपके रूम में तैयार हो गई है। आपने ये वेदी हमेशा तैयार करनी है अपने घर के अंदर, सुबह के समय और शाम के समय जब आप करते हैं तो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट डायरेक्ट ऊपर जाती है। लेकिन गारंटी नहीं है नीचे आएगी कि नहीं, कब आएगी पता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जितने लोगों ने आज स्माइल दी है कि नहीं, फेथ चौड़ा करना है आज आपको, बोलो जो मैंने मांगा मिल गया। बोलो हालेलुया। कोई आज के प्रचार के बाद ये नहीं कहेगा पास्टर जी मेरे यहाँ पे सिर में दर्द हो रहा है जरा प्रार्थना करना, आपको कहने की जरूरत नहीं, आज प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ से जाएंगी। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। हम आज प्रेयर करेंगे और प्रभु का आत्मा ऑयल इसी समय परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करे। ये क्या कर रहा है? मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट छुपा दी इसमें। बीमारों की दुआ के मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे हो शायद ये प्रेयर रिक्वेस्ट शायद कबाड़े की दुकान से चट्टा कट्ठा कर लिया गया। सुन रहे हो? हाँ, जो हिंदी में लिख रहे हैं, जय मसीह की, नाम नहीं लिखा, तू तो बहुत अकलमंद है, इसने फोन नंबर भी नहीं लिखा, नाम भी नहीं लिखा, कैसे जाएंगे अब तेरे घर स्वर्गदूत? इसने लिखा है नशे वाली आत्मा मेरे अंदर रहती है, किसी तरीके से बाहर निकालो। हाँ शाबाश, नाम नहीं लिख रहे लोग, क्या कर रहे हो आप? आपको कैसे पता लगेगा? हाँ, शिमला से 62300 इधर सुनेंगे। लिखा यहाँ पर मेरी गाड़ी और घर का सपना पूरा हो जाए। शिमला से बोल रहा है कोई, रोहन तेरा सपना पूरा होने वाला आज। आमीन। हाँ सुनो ध्यान से, आकाश मेरा नाम आकाश है, मैं पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना चाहता हूँ और पापा की रजिस्ट्री हो जाए। पापा क्या क्या, तेरी मम्मी की भी रजिस्ट्री होगी आज। एक लिख रहा है आई लव यू जीजस, मेरा घर बन जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं बहुत सारे लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट देख रहा हूँ, यमुनानगर से सरस्वती, शिवम दुष्टात्मा की प्रॉब्लम है, आप आज़ाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी किस बेवकूफ ने रखा है, अभी कौन रखे गए, पागल का डंगर का, हाँ तू रखे गए यहाँ पे, हाँ मिल गई अभी मैं
उन प्रेयर रिक्वेस्टों को देख रहा हूं जो यहां पर रखी हुई है। शाबाश धर्मवीर सिंह, परिवार में सुख शांति बनी रहे, अच्छी सरकारी नौकरी मिले, आपकी फैमिली में किसी को नौकरी मिलने के लिए जा रही है, रिसीव करो। सारे बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं, प्रदीप नेहा स्पिरिचुअल ग्रोथ हाउस ब्लेसिंग बेबी ब्लेसिंग सारी इकट्ठी ले ले, ठीक है, गुड न्यूज आपको सुनना है। बहुत सारे लोगों की ये, मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम संतोषी पटेल है, मेरी शादी के 23 ईयर हो गए, बेटा मांग रही हूँ, प्रभु यीशु के नाम में रिसीव करो, बेटा होने के लिए जा रहा है। आमीन। आपको बिलीव करना है। आज जिसके भी हैं, मैं जिसके ऊपर भी हाथ रख रहा हूँ, आज प्रेयर कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। पर और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी प्रार्थनाएं तेरी वेदी पर की गई, जो प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर, जिन लोगों ने ऑनलाइन, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा चर्च में आके भेजी है पिता परमेश्वर, मैं इन सब के लिए तेरे सामने पवित्र आत्मा जी इसी समय प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में मिराइकल पर मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो इस प्रेयर रिक्वेस्ट में लिखा है पवित्र आत्मा जी, आज परमेश्वर इसी समय अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, जोर से बोल, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों की गाड़ी स्पीड पकड़ने वाली है। Lots of people are going to take speed. जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, The Lord is telling me, आप सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट स्वर्ग में जा चुकी है, going to heaven. आपको अपने फेथ को बाहर निकालना है। you have to keep your faith outside. आज आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। Today, whatever you are asking, you will get it. आप विश्वास करें, keep believe. मैं सेलिब्रेशन करने वाले एंजल को देख रहा हूँ, I'm seeing celebration angels. वो सीढ़ी लगाकर इस चर्च में उतर रहे हैं, वो इस चर्च में उतर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ किसी के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, I'm seeing someone here who has problem in their marriage life. खत्म होने के लिए जा रही है, It's going to end. कोई हॉस्पिटल में है, There is someone who is in hospital. और यहाँ पर अभी प्रेयर उसका कोई कजन आया है, There is, his cousin is here. पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, The Lord is telling me. आपका जन जिसकी भी फोटो आप साथ लाए हैं, आप कल सुबह उठते ही गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। The Lord is want to talk to you. किसी का कोर्ट केस या बिजनेस या बैंक में कोई आशीष चाहता है। There is someone who wants to get blessed in their business and in bank. हाँ, थर्ड वीक में गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम। You will get good news in third week. हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो। Maybe you want government job. पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, The Lord tell me. लिख लो अपने हृदय की पटियों पर, Write it in your heart. जिनके नाम N से हैं, Those whose name is from N. SPRG से हैं, SPRG. A और D से हैं, A and D. L से, Y से हैं, L and Y. K से हैं, K. नवंबर आने से पहले गवर्नमेंट जॉब का पार्सल आपके हाथ में होगा। You will get government job parcel before November. ए लड़की, पहले उनको शोर मचाने के बाद बोल, पार्सल आपके हाथ में होगा। You will get the parcel. तारीफ करो जोर से यीशु मसीह की। मैं देख रहा हूँ किसी को बाथरूम में प्रॉब्लम है। There is someone who has problem in their urine. किसी को फिट्स पड़ते हैं। Someone get fits. कोई घर के किस देने में बहुत कमजोर है। There is someone who is very weak to give house loan. उसके पास कोई मनी नहीं है इलाज कराने के लिए। He has no money for their operation. परमेश्वर का आत्मा करा मिराइकल मनी होगा आज यीशु मसीह के नाम में। The Lord is telling me he will get miracle money. ये प्रार्थनाएं आपकी स्वीकार हो रही हैं। A N और G. A and G. F नाम वाले. F name people. और M नाम वाले. N name people. J नाम वाले. J name people. 300 से 500 की कोठी में जाएंगे। अगर आप 500 में रहते हैं तो 1000 में जाएंगे। Amen. अगर आप छोटी दुकान में हैं तो आप बड़े बंगले में जाएंगे। क्या आप अपने फेथ को बाहर निकाल सकते हैं? अपने फेथ को बाहर निकाल सकते हैं आप? तो इसी समय दो बार हंसना है आपने। क्या मैं सच कह रहा हूं? क्या मैं सच कह रहा हूं? Am I saying true? ऐसा कैसे हो सकता है?
मेरा नाम, कुछ लोग बोल रहे होंगे मेरा नाम एम से है, मेरे बाप धोबी की दुकान है, बैंक में 10 रुपए पड़े हैं, लेकिन आपके लिए एक एंजल आज रात सीढ़ी लगाकर उतर चुका है। Yes. मैंने क्या बोला, स्वर्ग में पैकिंग हो रही है, ऐसे पॉलोथीन में पैक हो रहा है। जब आपने यहां पर लिखा, देखो जैसे मैं इसका खोलता हूं, इसने लिखा अमरजीत अंबाला कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए, मेरा वीजा लग जाए अमेरिका का सीधा ही। अच्छा ठीक है, तो इसकी पैकिंग अभी ऐसे एक पॉलोथीन में अमेरिका का वीजा पैक हो रहा है। Amazing. लेकिन इस पर नाम नहीं है, इसने नाम लिखा है, एड्रेस नहीं है। अगर उसका फेथ कमजोर लगा तो वो पर्ची जिसके घर में कोई कमाता भी नहीं है उसके घर डालकर चला जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो बंदा विश्वास कर रहा होगा। यस आमीन। समझ रहे हैं क्या कह रहा है, कभी आया करो कभी जाया करो, कभी आया करो कभी जाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो। और उसी समय मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, जिन्होंने लोन के लिए ट्राई किया, पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आपको पता है कि जो जो प्रभु ने मुझे वेदी से बोला वो हो गया। मैंने अपने दोस्त के बारे में कहा था तू मंत्री बनेगा, वो मंत्री बन गया कल परसों। और मैंने कहा पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि 2 ट्रेनें खतरनाक इंडिया में, ऐसा एक्सीडेंट आपने नहीं सुना होगा, सुना आपने उड़ीसा में। मैं फिर कह रहा हूँ कि लेकिन भविष्यता की बात पर जो विश्वास करते हैं वो आशीष पाते हैं, जो जो विश्वास नहीं करते वो अपनी आशीष को खोते हैं। कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई जमीन, किसी का जमीन का पैसा फंसा हुआ है, कोई समय एग्जाम की ट्राई कर रहा है और इसी समय किसी पर कोर्ट केस चल रहा है। आप तीनों के लिए बोल रहा हूँ, आप सेलिब्रेट करने वाले अपने घर में। Amen. आप कहेंगे सच में आज की प्रेयर रिक्वेस्ट ने 52 डेज के अंदर बहुत सारे लोगों को ये पार्सल डिलीवर होगा स्वर्ग से। Amen. बहुत सारे एंजल जाएंगे, उनको करना पड़ेगा। अभी एक एंजल यहाँ पर खड़ा है। There is angel here. और वो मुझे बोल रहे हैं, He is telling prophet ji. जो ऑनलाइन भी लेकर बैठे हैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को, ऑनलाइन अपने घर में लेकर बैठे हैं। Those have prayer request online in their house. परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, Lord is telling. कि उनके घर सेलिब्रेशन के दिन आ रहे हैं। They are getting celebration days in their house. तो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, यू कैन गो नाउ फास्ट। सो अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और इसी समय आपसे आशीष देना चाहते हैं। जो लोग इस समय बिलीव कर रहे हैं, आज आपने फेथ को बाहर निकालना है। आप 52 डेज के अंदर देखोगे मिराइकल, देखोगे ऐसा मिराइकल आपने कभी नहीं देखा। 52 डेज के अंदर आप कहेंगे कि सच में एक कॉरियर मेरे लिए डिलीवर हो गया है। आज आपको बोलना है कि परमेश्वर ये पार्सल मेरे लिए है। आपको 3 दिन नींद अच्छे से आएगा। होली स्पिरिट ने मुझे कहा आज बहुत सारे लोग शांति से सोएंगे। जो लोग ये बोलते हैं प्रॉफिट जी मिलते नहीं, उनके लिए मैंने हाथ रखा है। हम सब पास्टर मिलकर दुआ करेंगे, स्टेज पर आ जाएंगे और इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। सब क्या तीन है पास्टर? हाँ हाँ सब सब हाँ हाँ हाथ रखो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राचा रबा सना यो वरे दे। इसी समय पवित्र आत्मा इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट सच में स्वर्ग में स्वीकार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, जाओ 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 जाओ, ले जाओ आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके दिल की बातों को ले जाओ, इनके मन में जो इच्छाएं ले जाओ, इसी समय जो मन्नत मांग रहे ले जाओ। ब्लेस हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री में आज विश्वास के साथ प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जिन्होंने अपना बीज बोया, जिन्होंने आज पवित्र आत्मा सालों साल से यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग घर के साथ ब्लेस होंगे, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल में आज देखेंगे आत्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों को अन्य भाषा का वरदान ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। आत्मा कहता है किसी का बिजनेस करा के छलांग मार कर बाहर आने वाला इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में।
आप ऊंचाई पर जाएंगे, जितनी भी आपके ऊपर मिट्टी डाल रहा है, अगर कोई आपको गधा समझकर मिट्टी डाल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं उस मिट्टी को झाड़ता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर से हर एक ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि जो दुष्टात्मा से जकड़े हुए, जिनके काम बंद है, जो सालों साल से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं परमेश्वर के पास, लेकिन उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट सुनवाई नहीं हो रही है, पवित्र आत्मा जी मैं आज प्रार्थना वाला ऑयल, एनॉइंटिंग ऑयल इन प्रेयर रिक्वेस्ट पर डालता हूं, जो मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं, अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, जो ये मांग रहे हैं परमेश्वर मिलने पाए आज। जाओ 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 जाओ, ये सारी आशीषें स्वर्ग से, मैं इसी समय उस पार्सल को ले लेता हूं और इसी समय इनके घर पर डिलीवर करवाता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ 52 दिन के अंदर ये प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी लाइफ में मिराकल करे। जो इस समय पवित्र आत्मा जी सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, यूक्रेन से, हांगकांग से, जापान से, इंडोनेशिया से, पवित्र आत्मा जी पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया के हर कोने से, महाराष्ट्र से, दुबई से, दुबई कतर से, इस समय पवित्र आत्मा जी जम्मू से, पंजाब से, इस समय लुधियाना से, मैं देख रहा हूँ जो इस समय राजस्थान से, गुजरात से, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, फरीदाबाद से, इस समय श्रीलंका से, पवित्र आत्मा जी जो लोग छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, पंजाब से, पवित्र आत्मा जी जो लोग आसाम से, त्रिपुरा से, मलेशिया से, पवित्र आत्मा बैंकॉक से, इस समय परमेश्वर दुबई कतर से, अफगानिस्तान से भी परमेश्वर जो लोग इस समय देख रहे हैं मेरे पिता, पवित्र आत्मा जो लोग केरला से, हैदराबाद से, परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा विशाखापट्टनम से, नागपुर से, पुणे से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा अंधेरी से, मेरे पिता परमेश्वर जो लोग केरला से, पवित्र आत्मा जी इस समय कर्नाटक से, किसी भी कोने से, पवित्र आत्मा जी त्रिपुरा से, अगरतला से, पवित्र आत्मा अरुणाचल से, और इसी समय पवित्र आत्मा यूके से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, जो लोग समय अपने चर्चों के लिए पादरी लोग भी आज पवित्र आत्मा, जो समय अपने घर के नक्शे लिए बैठे अपने दिमाग में, अपने हाथों पर, पवित्र आत्मा बोलता है ये पर्चियां कह रहा कि मुझे स्वीकार है, कह रहा क्योंकि मैंने परमेश्वर को इन पर्चियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा कहता है मैंने अपनी हथेलियों पर तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं, शमसी के नाम से लिखने ना अपनी हथेलियों की पट्टियों पर। आत्मा कहता है, मूसा को बुलाया, बोलता है कि अपनी हृदय की पट्टियों पर लिख दे, इस तख्ती पर लिख दे, ये आज्ञा मानने वाले, कह रहा है जो आज अपने फेथ को चौड़ा करेगा, जब तू पहाड़ी से नीचे उतरेगा, जो अपने फेथ को चौड़ा करेंगे, कह रहे कि उनके घर में आज से पार्सल डिलीवर हुआ करेंगे, बड़ी बड़ी गवाहियां के पार्सल आपके घर आने वाले हैं। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जो इन्होंने मांगा मिल जाए परमेश्वर ने। अपने हाथों को उठाओ और बोलो जो मैंने मांगा मिल गया है, बोलो जो मैंने मांगा मिल गया है, आमीन बोलकर आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। दिता जो आनंद यीशु ने चावे ना किसे तो खोया, दिता जो आनंद यीशु ने, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जिसको कार चाहिए थी उसको बधाई दो, उसको बता दो आप, मतलब चिढ़ा दो उसको, जला दो, आपका फेथ देखेगा स्वर्गदूत। एड्रेस मैंने क्या कहा वो ढूंढ रहे, यहाँ पर आपका फेथ देख रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, वो उसको बोल रहा है हेलो मेरे घर मस्जिद जाने वाली है, आमीन। और उसका दोस्त बोल रहा होगा बेवकूफ तू तो बाल काटता, नाई की दुकान है तेरी, उसको बोलो एंजल ऐसे ही काम करते हैं, हालेलुया। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, बोलो हालेलुया। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर दे दो प्लीज, परमेश्वर भीख मांग रहे हो क्या, कहां हो आप? अगर आप पाप नहीं करते, परमेश्वर आपका बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड से जो मांगते हैं वो देता है, पत्नी मना करती है बेस्ट फ्रेंड को देने के लिए, बोलो हालेलुया। समझ रहे हैं, आप जितनी देर खड़े हैं, कितने लोग थक गए हैं हाथ उठा के बताओ, मैं उनकी थकावट दूर कर रहा हूं अभी, बोलो हालेलुया। हाँ उठाओ शामश, जितने थक गए हैं बेशर्म कहीं के आप सुन रहे हैं, मैं कल से खड़ा हूँ प्रेयर कर रहा हूँ, शनिवार को मैं रात को सोता नहीं हूँ, 4 बजे तक मेरी प्रेयर चलती है, और फिर मेरे को सुबह उठ के भागना पड़ता है, खड़ा रहता हूँ, और फिर भी मेरे चेहरे पर रौनक आ रही है परमेश्वर की, बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं, आपको विश्वास करना है, बस आपने ये सोचना है जो मैंने मांगा, पर स्वर्गदूत को कैसे पता लगेगा कि इसको मिल गया है? कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि आईलेट्स
ने मेरे आठ बैंड, मम्मी आ जाएंगे क्या, पापा आ जाएंगे क्या, यीशु मसीह को जाकर पूछ रहे हैं कुछ लोग, बोल रहे हैं कि प्रभु क्या तू कर सकता है, मेरे लड़के को दौरे पड़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा ये क्या बात है, कह रहे हैं जिस परमेश्वर के पास तू आया है उससे सब कुछ हो सकता है। आज आपको ऐसा फील करना है कि मेरे लिए उसने सब कुछ कर दिया है। तीन दिन आप इतनी आनंद की नींद लोगे क्योंकि चौथे दिन आपके घर जो आपने मांगा वो ट्रांसफर होने वाला है। आमीन। मैंने क्या कहा, नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है, टाइम नहीं है। उस चिट्ठी में एंजल कह रहा था, कहता नाम बताऊं किसके घर भेजना है, पैकिंग तो करवा दी आपने, लाखों पैकिंग करवा दी, पता नहीं कितने लाखों के लोगों के आज घर पैक हो गए हैं, बस उनको मिलने की बारी है। आमीन। पता नहीं कितने लाखों लोगों का वीजा पैक हो गया स्वर्ग में। पता नहीं लाखों लोगों को मैं फिर कह रहा हूं कि हीलिंग, जिनको मैं फिर कह रहा हूं पत्थरियां सोलियां कुछ प्रॉब्लम है, हीलिंग चंगाई मांगी है, उनके लिए एक नया डॉक्टर पैक हो गया, नीचे जाके चंगा कर इसको। सुन रहे हैं, पैक हो चुका है, बस आपको रिसीव करना है। अब वो एंजल पूछ रहा है, कह रहा पौलुस जब अंधा हो गया तो उसी से मैं पूछ रहा था, कहता है कि वो गली कहाँ है उसका एड्रेस, कहता है ये तो मुझे भी मालूम नहीं है। हालेलुया। स्वर्गदूत को नहीं पता है, लेकिन वो देख रहा है जहां से रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही है, जहां से हालेलुया बोलने की आवाज आ रही है, जहां से आनंद मनाने की आवाज आ रही है, जहां से आपके चेहरे पर फीलिंग आ रही है, फीलिंग आपके चेहरे पर कुछ फील हो रहा है, नया फील हो रहा आज। आपके रोंगटे खड़े हो रहे कि नहीं, अरे आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे कि नहीं। मैं कह रहा हूँ ये शैतान के रोंगटे नहीं है, क्योंकि आपके आस पास आज एंजल घूम रहे हैं आपको कुछ देने के लिए। तूताने तू मचाई, तूताने तू मचाई, तूताने तू मचाई, उठ जाना है ये सुना श्री दे दुले गाने ने, उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है ये सुना श्री दे दुले गाने ने, उठ जाना है। एक लड़की है कोई यहाँ पर, सुनो मैं से देख रहा हूँ, हाँ मैं ऐसे बहुत सारे पीले पीले कपड़े देख रहा हूँ उसके, रजनी मतलब कोई उसके घर में हो बहुत सारे कपड़े ऐसे, उसके पास ज़्यादातर येलो कलर के हों या उसने यार डाले हों, ऐसे कोई रजनी, कोई ऐसे रजनी मैं से देखता हूँ किसी को, और वो बार बार हाँ हाँ कम हेयर सुनो कम एयर कम एयर, हाँ हाँ परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा छूने से, हाँ 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 क्या नाम है प्रोफेट जी, ये बहन तारी की, मेरा नाम रजनी है, हाँ। और आप बोल रहे हैं उसके पास येलो कपड़े, बोल रही मेरी पूरी अलमारी येलो कपड़ों से भरी पड़ी है। उतावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते, हाँ हाँ क्योंकि आपके पति ने गलती से कह दिया येलो कलर में तू बहुत सोनी लगती है। हाँ कईयों को कई कलर बहुत अच्छा लगता है, कई सूट ऐसे होते हैं जो आप पर जचते हैं, लेकिन आप को देख रहा हूं मैं, कहाँ से आए आप? करनाल से जी, हरियाणा। हरियाणा से? हाँ जी। हवेली गई है कभी अपने पति के साथ गोल गप्पे खाना इस संडे के बाद? ठीक है जी, क्योंकि आपके सेलिब्रेशन के दिन आ रहे हैं। yes, सुनो मैं देख रहा हूँ सत्यवीर, सत्यवीर सुनो कौन है यहाँ पर? हाँ 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 कम एयर कम एयर कम एयर सत्यवीर, हाँ शाबाश शाबाश, जल्दी से खुदावन तेरे शून्य से बड़े बड़े काम। यस, मैं आपकी पत्नी को देख रहा हूँ ग्रीन सूट में जी। पापा जी कहाँ पर है वो? आप भी हरियाणा से आए हैं? यूपी से। यूपी से, हाँ जल्दी आओ जल्दी, शाबाश, हाँ हाँ दौड़ कर आओ। सुनो आप बड़े टाइम से रो रहे हैं, हाँ खड़े रहो उसको भी खड़े रख, हाँ हाँ आप बड़े टाइम से रो रहे हैं जी। बच्चा चाहिए किसी को जी, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए जी। आ, 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 रजनी आपको भी बेटा चाहिए? हाँ जी, 7 साल से सही, एक बार भी कंसीव नहीं हुआ पास्टर जी। मैं सही कह रहा हूँ कि हाँ, नहीं हाँ जी, हाँ जी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो आपके अंदर अगर फेथ दिखा, मैं ऊपर से बोल रहा हूँ हेलो एंजल इनके घर पैक करो बेटा आज, पैकिंग स्टार्ट हो रही है। yes, amen. क्या आप रिसीव कर सकते हैं? yes, amen. सत्यवीर जी, सर जी, पापा जी, यीशु का नाम सत्य है। yes. सत्य मार्ग और जीवन वही है। yes. वो कह रहा मैं तुम्हें बेटा देने के लिए जा रहा हूँ, यीशु मसीह का नाम। तेरे शून्य से
बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से, बड़े बड़े काम होते हैं। सारे बोले हालेलुया। स्टैंड अप। सुनो देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु का आत्मा यहां पर है। हरे सूट वाली दो बार बोल सोनिया। जी मेरा नाम सोनिया। जी जा बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता मेरा यीशु बोलता, हां बोलता मेरा यीशु बोलता। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे को कैसे मालूम जीजस यहां है? जीजस यहां पर है। अभी एक एंजल आसमान में दिख रहा था मुझे, पर्ची ऐसे कर रहा था, मैंने कहा ठीक है ठीक है। थैंक यू। सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? yes. ये कैमरे वाली हंस रही थी, इसको पता लग गया, ऊपर कर रहा हूँ मैं। पापा जी आप मेरे सपने में भी आए थे, मुझे फूल दिया था। फूल दिया था? ये बता दे वाइट था कि लाल था? बस ऐसे कहा था फूल दूंगा तुझे। शुक्र है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने गुड न्यूज मिलेगा। यस आमीन। वो स्वप्न में परमेश्वर आपसे बात करके जा रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो आपके घर पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक हो रहे हैं और इसी समय आप बार बार परेशान हो रहे हैं, आपकी टांगों में एक अजीब सा दर्द होता है, आपकी कमर में एक अजीब सा दर्द होता है, आपके पेट में कुछ इन्फेक्शन होते हैं, बच्चे जाने में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, आपको रात को कैसे लगता है मेरे सूट को टच कर रहा है, मुझे कोई आवाज लगा रहा है। इसी समय देख रहा हूँ एक ब्लैक कलर का गेट है किसी का, और इसी समय एक बेड ब्राउन कलर का दीवान रखा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उस दीवान के पास करा एक स्वर्गदूत खड़ा है और करा कि तुम्हारे घर से एक एक करके सब कूड़ा करकट बाहर साफ कर रहे हैं आज वो यीशु मसीह के नाम में। तू तने तू मम चाहिए, तू तने तू मम चाहिए, तू तने तू मम चाहिए। हालेलुया। आज के बाद सुन लो, इस प्रोफेसी को रिसीव कर लो और पवित्र आत्मा बोल रहा सत्य है, कह रहा है कि परमेश्वर तुझे कहीं और से ले जाकर कहीं और फिट करने वाला है। आप बार बार कह रहे हो परमेश्वर कहीं हमारा मकान और जगह बन जाए, परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है एक नई दुकान के साथ। जो प्रॉपर्टी खत्म हो गई वो दोबारा से बनेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है, आपके ऊपर दया कर रहा है। दिल्ली के नजदीक आप जाने वाले आने वाले समय में काम करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए घर नहीं बनेगा वहां पर। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है, आपकी सैलरी 30,000-40,000 तक आप कमाना स्टार्ट करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। राजा रबा सना योबा रे 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 रे। और इसी समय मेरे हाथों की तरफ देख सोनिया, ऊपर से इसी समय वो गंदी स्पिरिट आपको छोड़ रही है और निकल रही है। वो चल निकल जा बाहर, मुंह खोल और चल निकल जा, आउट आउट आउट। मैं जिसको छोड़ूंगा, मैं अपनी आत्मा में तलवार चला रहा हूं। तेरी पत्नी के ऊपर से वो सारे बंधन टूट रहे हैं। एक एक करके रजनी तेरे ऊपर से भी मुंह खोल और जा बाहर यीशु मसीह के नाम, चल। देख रहा हूं रजनी आजाद हो रही है, वो जो दुष्ट आत्माएं छोड़कर भाग रही हैं तुझे। स्नेक निकल जाओ रजनी के अंदर से, निकल जाओ। अब ग्रीन सूट यू आर फ्री। दौड़ के देख। बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से। सोनिया बैठ के देख, खड़े होते झुक के देख, हाँ स्माइल देख इसके चेहरे पे, स्माइल देखो। खुदावन तेरे छूने से। हालेलुया। हालेलुया। सुन सोनिया, एक रेखा के लिए दुआ करना तेरे को। हाँ जी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा उधर भी बेटा हो रहा है। यस आमीन। सुनो हाँ, स्टैंड अप रजनी। यहाँ पर ऐसे अनिल। बोलता मेरा यीशु बोलता। कते घू करके सारे तालियां बजाओ लंबी पा करके। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो आपके सामने ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रार्थनाएं ऊपर पहुंच चुकी हैं।
अब तेरे को विश्वास हो रहा है ना? पहले सोच रही थी वैसे ही तुक्का मार रहा बादरी है अनिल सुनील ब्रदर आजी ऐसा नहीं बोलना ब्रदर साला है तेरा भाई है सर तेरा भाई है आप ही के घर में हाँ जी, हाँ जी। आया यहाँ पर हाँ जी। कह रहा कहाँ है यहीं बैठे कहाँ बैठे हाँ हाँ कम है यार आप देख रहे हैं परमेश्वर आपके पूरे खानदान को जानता है यीशु मसीह के नाम में कोटा बनते रे शून्य से बड़े बड़े काम सुनो सुनील कह रहे हैं कि जिस चीज में तुम कामयाब नहीं हुए अब से तीन एंजल तेरे साथ जाएंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में कह रहा तेरे गांव में तेरे शहर में कह रहा कि ऐसे दिन आने वाले हैं सेलिब्रेशन करोगे सबसे ज्यादा तू कमाएगा सबसे बड़ी कोठी तू लगाएगा यीशु मसीह के नाम में दूताने तू सुन ये तेरी जठानी दरानी जो लगती है क्या लगती है भाभी ये रजनी ये जलने लगेगी उस दिन से फूक जाएगी ये नहीं नहीं सर मैं जानता हूँ औरतों को मेरा बहुत पुराना रिश्ता है बहुत दिन हो गए इनके लिए प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह ने कहा मरियम मैं तुझे जानता हूँ तो किस मनसा की अच्छा तो बहुत अच्छी है आज से अच्छी हो जाएगी बेस्ट मिलेगा परमेश्वर बेस्ट देने के लिए जा रहा है आपको बेस्ट देने के लिए जा रहा है परमेश्वर आपको बता रहा है कह रहा है कि आप कहीं से भी आए हो परमेश्वर आपको जानता है आके वहाँ कह रहा है कि परमेश्वर की ब्लेसिंग खुलेगी आपके ऊपर कौन कह रहा है मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए मेरे हस्बैंड आपके हस्बैंड हाँ जी हाँ जी गवर्नमेंट जॉब सेलिब्रेशन के दिन आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में तू ताने तू मचाइए तू ताने तू मचाइए परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जिन लोगों के लिए आज पवित्र आत्मा पैकिंग कराई आज तुझसे पवित्र आत्मा तेरे एंजल में देखता हूँ विश्वास करता हूँ कि वो स्वर्ग में हलचल मच गई आज के धरती पे बजेंद्र सिंह क्या कर रहा आज हलचल मच गई आज स्वर्ग में क्योंकि पैकिंग हो रही है लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में आपकी आशीषों की पैकिंग हो रही है यीशु मसीह के नाम में मैं परमेश्वर का दास होने के नाते पवित्र आत्मा से ले लेता हूं आज आशीष को इनके लिए इनके पार्सल को डिलीवर कराता हूं ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं 52 दिन में आपके पार्सल आपके घर पर होंगे यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलकर एक छलांग लगा के बैठ जाओ सारे कितने लोगों को विश्वास है कितने लोग आज से जब गेट से बाहर निकले कैसे चलोगे फिर से उठ जाना उठ जाना सोना सरी दे दो लेखन उठ जाना कबला के कलाम दे कबला के कलाम दे अपराध पार उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना है ये सुना सरी दी दुले गन ने उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना उठ जाना उठ जाना ये सुना सरी दी दुले गन ने उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना है ये सुना सरी दी दुल्हन ने उठ जाना है खुदावन तेरे शूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे शूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे शूने से बड़े बड़े काम होते हैं तू ही है देता शिफा तू ही है देता अब दी शिफा लंगड़े चलाए तू मुर्दे जिलाए तू देता है जीवन नया
लंगड़े चलाए तू मुर्दे जिलाए तू देता है जीवन नया खुदावन तेरे शूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे शूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे शूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे शूने से बड़े बड़े काम होते हैं हालेलुया हालेलुया ताली बजाएं परमेश्वर के लिए हालेलुया पास्टर जी बहुत ही अद्भुत गवाही है ये ब्रदर स्पेशल ग्रीस से अपनी टेस्टिमनी देने के लिए आए हैं ये बता रहे हैं इनके हार्ट में प्रॉब्लम आई थी जब डॉक्टर ने चेक कराया तो डॉक्टर ने बताया कि इनका हार्ट खराब होना शुरू हो चुका है इन्होंने बताया कि जैसे इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया और एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को रिसीव किया ये बता रहे हैं कि इनकी सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है चंगे हो चुके हैं खुदावन तेरे शूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे शूने से हालेलुया सब कुछ जय मसीह की जी मैं स्पेशल ग्रीस तो अगवाई देने लिए आया हाँ जी मैनू डॉक्टर ने हार्ट की प्रॉब्लम दसी सी बट मेरी वाइफ ने लेहन प्रेयर करवाई इतों ही अते मैं रिसीव किया मेरी 14-14 रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है 14-14 रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है जी कैसे नॉर्मल आई बस चर्च में आए स्पेशल प्रेयर कराई एनॉइंटिंग ऑयल वाटर मेरी वाइफ ने सर फोन पे प्रेयर करवाई थी एनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया जी अभी बिल्कुल नॉर्मल है रिपोर्ट सर बिल्कुल नॉर्मल क्या बोला था उन्होंने बोला था तुम्हें प्रॉब्लम है हार्ट की बट जब उन्होंने देखा तो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट नॉर्मल है ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए आज जितने खुश हो रहे हैं इस गवाही को देखकर उनकी भी चाहे 14 हो चाहे 28 हो चाहे 30 रिपोर्टें हो नॉर्मल होने वाली है यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की महिमा करेंगे जोर से मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा हालेलुया परसी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है कि भाई अपनी फादर की गवाही दे रहे हैं कि उनके लंग्स फेल हो गए थे और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनकी अब कोई उम्मीद नहीं है अब परमेश्वर ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं विश्वास के साथ जब ये भाई चर्च में आए यहां से एनॉइंटिंग ऑयल लेकर के यूज किया ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया बता रहे इनके फादर की वो लंग्स की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा सबको जय मसीह की पास्टर जी को जय मसीह की मेरा फादर का जो लंग्स फेफड़े में जो जम गया था डॉक्टर ने मना कर दिया लंग्स में क्या हुआ था रेशा जम गया था जम गया था डॉक्टर ने मना कर दिया जो आईसीयू में था आप देख रहे हो स्क्रीन पर आईसीयू में थे आपके फादर हां मेरा फादर हां डॉक्टर ने मना कर दिया उसके बाद मैंने एनॉइंटिंग ऑयल लेके गया मैंने लगाया डॉक्टर ने क्या बोला था डॉक्टर ने मना कर दिया था जो यहाँ से ले जाओ सेवा करो हाँ हाँ और मैंने यहाँ से एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर जाके लगाया उसके बाद एक दिन के बाद ही मेरे पिताजी ने सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आने लगा रिपोर्ट नॉर्मल आने लगा ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए आईसीयू से बाहर आ चुके हैं यस ताली बजाओ जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा
आंखों से पर्दे हटाओ प्रतिष्ठ के गीत गाओ, आंखों से पर्दे हटाओ तल 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 तली बजाओ उसकी महिमा रूसे गाओ, यसु यसु नाम सुनाओ, यसु यसु रूह में उसके झूम के गाओ, आंखों से पर्दे हटाओ प्रतिष्ठे गीत गाओ, आंखों से पर्दे हटाओ प्रतिष्ठे गीत गाओ। हालेलुया हालेलुया। पासनी बहन बता रही हैं इनके बेटे को 2.5 साल से थायराइड था और इसे 1 साल से थायराइड था और यहां से एनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेकर गए। प्रोफेट जी ने प्रोफेसी किया था जिसे थायराइड है वो आजाद होने के लिए जा रहा है, इन्होंने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, आज रिपोर्टेड नॉर्मल है। मैं जिसको सुनूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको सुनूंगा पवित्र कर दूंगा। जय मसीह की, सारे कलीसिया का जय मसीह की। मेरे बेटा का 2.5 साल से टेम्पर बुखार थे। कितने साल से? 2.5 साल से। 2.5 साल से। हाँ, पुरनका चर्चिंग में फ्री बोला प्रार्थना करवाई, पापा जी बोला ये तालियों के साथ हम परमेश्वर मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, दे देता है शिफा मसा यीशु का, दे देता है शिफा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा 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 मसा यीशु का, आंखों से पर्दे हटाओ। सब लोग बैठ जाएं, शाबाश। जो लोग आदर कर रहे हैं परमेश्वर उनको दुगनी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ शाबाश, सब लोग बैठे हैं, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। हाँ जी, गवाहियों के साथ हम इसी समय जल्दी से गवाही सुनेंगे, प्रभु का आत्मा आपको छुएगा। हाँ, वेस्ट बंगाल फटाफट गवाही, कोलकाता ब्रांच। हाँ हाँ, कोलकाता ब्रांच। प्रभु जी बहुत बड़ी गवाही है। ए बहन जरा, 2 साल से हाथ में ट्यूमर था, जैसे यहाँ पर आया एनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया, प्रोफेसर को रिसीव किया, 2 साल के बाद ट्यूमर पूरा बनकर उड़ चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाँ, बहुत बड़ी गवाही है। मिराकल मानी, मिराकल मनी के मानी मानी मानी, शाबाश। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। पापा बहुत बड़ी है भाई, आप बोला जो चर्च में आ रहे हैं प्रभु उनके वीजा के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं, पर पापा एक बात बता रहे हैं, 1 साल के बाद प्रभु ने उनके फॉरेन का वीजा के साथ ब्लेस हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। पापा एक बहन के भाई, 2 साल से ग्रुप प्रॉब्लम था, जैसे यहाँ पर आया एनोइंटिंग ऑयल का यूज किया, ग्रुप प्रॉब्लम से आजाद हो चुका है यीशु के नाम से। पापा 3 साल से पाइल्स था, जैसे यहाँ पर आया एनोइंटिंग ऑयल का यूज किया, भविष्यवाणी को रिसीव किया, अब वो पाइल्स दुआ बनकर उड़ चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। पापा आप बोल रहे थे जो कोलकाता चर्च में आ रहे प्रभु उनके फ्लैट के साथ ब्लेस करने के लिए, जरा एक माता ए बहन के भाई जरा प्रभु इनके नया फ्लैट के साथ ब्लेस कर चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। जोर से तारीफ करो, शाबाश। ठीक है, आपकी इन गवाहियों के लिए। हाँ, अपने हाथों को उठाओ, पूरे थक जाएगा तू इतनी गवाहियां देते। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस समय वेस्ट बंगाल कोलकाता में ब्रांच में जो इस समय लोग इंटरेस्टेड है मेरे पिता परमेश्वर ब्रांच खुलवाने के लिए, इसी समय परमेश्वर इनके घरों में गुड न्यूज आए। जो लोग स्माइल दे रहे हैं आज, एंजल उनके घर पार्सल देकर जाए आज। दे सकते हैं आप एक दूसरे को स्माइल? उनको तो रोज देते हो आज, खुदा को दो स्माइल, ऊपर करके स्माइल दो आज। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ वेस्ट बंगाल ब्रांच के लिए, हर एक जन के लिए जो मुझे ऑनलाइन जुड़ा हुआ है इस मिस्ट्री के साथ, जब भी अपने फेथ को चौड़ा करें आज मेरे पिता, सबसे चौड़ी सबसे मोटी सबसे बड़ी गवाही इनकी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ, बोलो हालेलुया हालेलुया। विश्वास करते हो जिसकी शादी नहीं हुई उसकी बहुत बड़ी गवाही बनने वाली है, बोलो हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को मोटी गवाही चाहिए, कितने लोगों को चौड़ी गवाही चाहिए,
बड़ी गवाही चाहिए कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया, गुड न्यूज मिलेगा। हाँ वेस्ट बंगाल, ओके, गॉड ब्लेस यू। हाँ हाँ सुनेंगे सब, हालेलुया। गवाही प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये दोनों गवाहियां गवर्नमेंट जॉब की हैं, ये दोनों सगी बहनें हैं, और बता रही कि 5 साल से इनकी दोनों की बेटियां गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन वो बार बार रिजेक्ट हो जाती थी। विश्वास के साथ जब ये चर्च में आए, यहां से एनॉइंटिंग ऑयल लेकर के और प्रोफेसी को रिसीव किया, बता रही इनकी दोनों बेटियों को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। कते आया करो, कते जाया करो, कते आया करो, कते जाया करो, यीशु नाम विच पंगेड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच पंगेड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच पंगेड़े भी पाया करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है जो लोग रिसीव कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब एंजल कह रहे होते हैं यार एड्रेस तो मिला। मेरी बात सुनो छोटी सी, चलो मान लो मैं केएफसी की दुकान पे लगा हुआ हूँ, मान लो मैं केएफसी की दुकान पे लगा हूँ और मैं एक जॉब करता हूँ। अब मेरे को मेरे मालिक ने कहा इतना पैसा आया है और ये कॉरियर उसको दे कर जा। सारे बोले हालेलुया, समझ रहे हैं? अब बंदे ने अकाउंट में पैसे भी डाल दिए, अब अगर मैं मालिक को कहूँगा वो मुझे मिला नहीं तो उसमें वो क्या करेगा? पता आपको, अधिकतर कोरियर वाले जब आप पैसे पे कर देते हैं तो बर्गर के पैसे और वो नहीं मिलते घर पर, और पैसे भी चले गए, बर्गर के पैसे वापस तो होते नहीं, फिर नहीं होते ना, लेकिन रास्ते में वो अपने आप ही खा जाते हैं। कह रहे पैसे तो ये मालिक को बोलेंगे तो हमें नौकरी से निकाल देगा, समझ रहे हैं? कई बार एंजल भी ऐसे ही करते हैं, समझ रहे कि नहीं? जहाँ फेर देखते हैं वहाँ लिफाफा फेंक कर जाने वाले हैं। कते आया करो, कते जाया करो, कते आया करो, कते जाया करो, यीशु नाम विच पंगेड़े भी पाया 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 करो, कदे घू करके, कदे हाँ करके, कदे घू करके, कदे हाँ करके, सारे तालियां बजाओ लम्मी पा करके, सारे तालियां बजाओ। मैं कह रहा हूँ जिनके चेहरे पर स्माइल है, जो लोग नाच रहे हैं उनके घर गवर्नमेंट जॉब आ रही है, यीशु मसीह का। मेरी बात पर अगर किसी को शर्म आती है तो आज रात का मेरा वीडियो खोल कर दोबारा YouTube अपने घर पे नाचना ऐसे करके। जिसको चर्च में शर्म आती है, पिछलों के लिए बोल रहा हूँ, यूपी वालों सुधर जाओ। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करें, शाबाश। हाँ गवाही के साथ। यस। सारे पंजाब में सिक्की, पापा जी को भी पंजाब में सिक्की। हाँ। मैं है पंजाब से आई हूँ, ते पातड़ा शहर से। मेरी गवाही है, पापा जी ने प्रोफेसी करी थी 2021 में, मनप्रीत तू गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होने जा रही है, मैं रिसीव किया, मेरी बेटी 2021 में ब्लेस होगी सरकारी जॉब के साथ। सारे बोलो हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ मैं, पोटी पोटी प्रणाम करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप एक छोटी, हाँ हाँ बोलने दे, बोलने दे, बोल बोल, थैंक यू, बोल थैंक यू। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का दास का मैं जमा पोट पोट लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत साल से परमेश्वर का दास को देख रही हूँ, 2007 से देख रही हूँ मैं लाइव में, और मैं ई भाई हूँ परमेश्वर की भवन में देखने के लिए परमेश्वर का दास ने स्पेशल गुवाही देने के लिए मेरी बेटी ब्लेस हुई है। तू इतने दूर तक कान देखा है, नेड़े आगे देख, इधर अथे आ नेड़े मेरे कोला, शाबाश, बोलो हालेलुया। हालेलुया। देख लो आपके सामने बता रही है कि 2007 से जुड़ी हुई है। आप इस बात को समझ गए, जो लोग बोलते हैं झूठा भविष्यता, झूठी भविष्य टल्ले मारता है, सुनो कुछ लोगों ऐसा बोलते हैं, उनकी सोच होती है ऐसे जो ऑनलाइन देख रहे होते हैं। 2007 से परमेश्वर ऐसे किसी को जोड़ के रखता, आपके ताऊ मामे तो अब तक चले गए भाई साहब, तुम कैले लेके गए उनके घर, बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर से जिसका रिलेशन है टूटता नहीं है, याद रखना, क्योंकि यीशु मसीह आपके काम जल्दी बनाने वाला, यीशु मसीह का नाम है। बोलो हालेलुया। हाँ, ये यीशु मसीह के साथ रिलेशन बना कर रखा इसने, इसको विश्वास था कि प्रभु मुझे यहीं से कुछ देगा। इसने इतने साल से इस चर्च को छोड़ा नहीं है, ऑनलाइन जुड़ी हुई है। मैं उन लोगों के लिए सुना रहा हूँ उनको, कि ताकि आप लोगों के घर में भी बरकतें ट्रांसफर हों, यीशु मसीह के नाम में। जब तक आप कह रहा है कि विश्वास नहीं करते, 100 कुएं खोदने से अच्छा एक कुएं को 100 बार खोद लो, पानी भी निकलेगा और आपकी बड़ी गवाही भी वहीं से निकलेगी।
समझ आया कि नहीं? ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, बहुत सारे लोग जाते हैं इधर भी उधर भी इधर भी इधर भी, मनाई नहीं है, लेकिन आपने समर्पित है तो परमेश्वर आज रात आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब के साथ बेटी, गवर्नमेंट जॉब के साथ बेटी, हाँ जी, कड़ा है बेटी, चंडीगढ़ है जी, चंडीगढ़ है जी, हाँ। आधी हरियाणा भी आधी पंजाब बने, तू क्या चक्कर है? मैं हरियाणा की बेटी हूँ, पंजाब में ब्याह रखी हूँ। हालेलुया, पिता जो अनंत यीशु ने जबे ना किसे तो खोया। हालेलुया, प्रॉफिट जी, दोनों सगी बहने हैं, इन दोनों की बेटियों को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ कदे घू करके कदे हाँ करके कदे घू करके कदे हाँ करके सारे तालियां बजाओ लम्मी पा करके सारे तालियां। देखो भाई साहब, जो हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर लड़ाई नहीं कराता, दोनों बहनों के घर में दोनों बेटियों को गवर्नमेंट जॉब। जाओ जो ताड़ियां बजा रहे हैं तुम भी ले लो आज। हालेलुया, सारे ताली। सुनो, अभी अभी लोग बोलते रहते यार, जितने ऐसे ही बोलते रहते हैं, प्रॉफिट ऐसे ही बोल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको समझ में आ गया होगा, मेरा काम है बोलना और ऊपर पैकिंग कराना, आपका काम है रिसीव करना। yes. समझ रहे हैं कि नहीं? ये छोटी बात नहीं है। हाँ, दोनों की, हाँ बताएंगे, ये भी बताएगी, शाबाश, छोड़ दे भाई। सबना जामिसी की, पास्टर नो भी जामिसी की, आज मैं काल परसों की कर रही हूं, मैं काम में पास्टर ने देखूं लैब मखाओ इतना अच्छा है, आज इसी मां ने जन्म दिया, उसने भी लैब में भी इतना सोना बोला, इतना सोना प्रचार करा भी, मैं उसके दौर जाऊंगी। मेरे दो बेटा बेटी जिस दिन की चर्च गेला जुड़ी, एक मेरा बेटा आर्मी में लग गया, एक मेरी बेटी गवर्नमेंट सेंटर की सरकार में लागी मैडम। यसु दिल्ली भी तो दिल्ली लागी है, दिल्ली की, दिल्ली लागी की सरकार में। जब तो इतना मीठा मीठा बोलेगी, फिर ऊपर वाला लाएगा क्यों नहीं? लाएगा तो कितना मीठा बोल रही है, नहीं? और यहाँ हमारा लड्डू है, सिर्फ नाम का ही लड्डू है, सारे बोलो हालेलुया। आपको मीठा देखा आपने, कितना मीठा बोला इसने, करी पास्टर की। मैं कह रहा हूँ कि तारीफ करने से इंसान जब चौड़ा हो जाता है, तो सुबह उठकर परमेश्वर की तारीफ किया करो, वो कितना चौड़ा होगा। समझ रहे हैं? जो परमेश्वर की तारीफ करते हैं, सारी महिमा उसको मिले यीशु मसीह के नाम में। हाँ, देखो दोनों बहनों को की बेटियों को गवर्नमेंट जॉब, इसकी दोनों बेटियां गवर्नमेंट जॉब में, दोनों, तेरी भी दो है, बेटी हमारा, दो बेटियां ने गवर्नमेंट जॉब मिली है। अच्छा, एक एक बेटी है थारा, दोनों ने जॉब मिल गई, ठीक है, ओके, मारे भी थोड़ी दया कर लिए। अच्छा ठीक है, जाए जा जा, हाँ हाँ शाबाश, कोई नहीं आंदे, इन्हें तो इन्हें तो बहुत तारीफ के पुल बांध दिया। हालेलुया, फोटो ले भाई, फोटो ले, फोटो ले इसका, ले भाई चाय पूरा कर ले तू आज, सारे लोग फोटो तराओ उसका, गल्ला है सारे, मैं देखूं, मैं भी कदे परमेश्वर उसका दौरा ले जाएगा। तो तेरा मोबाइल कहां है, सेल्फी लेते ना, हाँ गवाही देंगे, शाबाश, हालेलुया, प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहा है कि इसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर्स ने बोला था कि ऑपरेशन होगा, पर जब अपेंडिक्स फट गया पेट में इसके और प्रॉब्लम हो गई, पर ये जब चर्च में आए विश्वास के साथ, इन्होंने स्पेशल प्रेयर कराई बीच भोकर, और ये भाई बता रहे हैं कि इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है, चंगे हो चुके हैं। मैं किसी को सुनूंगा, पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को सुनूंगा, पवित्र कर दूंगा। हालेलुया, देखो आपके सामने भाई साहब गवर्नमेंट जॉब वालों के साथ सेल्फी जरूर लेता है प्रॉफिट बचिंदर, क्योंकि बस आपको पता ही है। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ। आप सभी को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। नवंबर में मुझे अपेंडिक्स हो गया था और डॉक्टर रिपोर्ट में बताया कि अपेंडिक्स फट चुका है और रिक्स भी नहीं ले रहे थे, बहुत जगह डॉक्टर पास गए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आए, स्पेशल एंड प्रार्थना 27 नवंबर को हुआ और उसके बाद मेरा नॉर्मल रिपोर्ट के साथ मैं ब्लेस हो चुका हूँ। तारीफ करें जोर से, हाँ हाँ, शाबाश, नेक्स्ट नेक्स्ट गवाही के साथ, हाँ हाँ। प्रोफेट जी, ये माता बता रहे हैं, आपने इनकी बेटी का नाम लेके प्रोफेसी किया था कि रुचि, परमेश्वर तेरे 5 काम बनाने वाला है, हाँ। और उसकी बेटी न्यूजीलैंड में है, हाँ। उसे पीआर मिली।